आगे बेटा एक्सरसाइज 7.2। अब एक वर्ड सीखना हमने फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज है? एक्सक्लेमेटरी का साइन है। पहले इसका मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं बेटा। अगर मैं कभी बोल रहा हूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 120। चलो एक और बोलते हैं, मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, क्या मतलब हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1, यहां तक क्लियर? कितना देगा? 24। अच्छा 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 × 1। 1 फैक्टोरियल 1। एक बात और नोटिस कर लो, एक छोटा सा नोट है वो ध्यान से लिखना। 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है बेटा 1। क्या होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है। रेडी? आइए क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसके लिए मैं पिक कर रहा हूं, और मैं बोलना भूल गया, न्यू बुक्स में ये एक्सरसाइज 6.2 है, ओल्ड बुक्स में 7.2 है, न्यू में 6.2। आइए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इज 3 फैक्टोरियल, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा? करोगे? 1 मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थ्री फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, यही है ना बेटा? LHS, आइए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सॉल्व करो बेटा। 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1 प्लस 4 का 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 प्लस दैट इज RHS 7 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये मेरा हो गया, ये हो गया, और ये हो गया 5040। ओके एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लूँ इससे ज़रा। तो 720 का मेरा हो जाएगा 1040। ओके बिल्कुल 5040। तो मैच कर रहा है ये? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना जी, कंप्यूट बेटा वैल्यू निकालनी है इसकी। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये कैसे करेंगे? अटेम्प्ट करो राइट नाउ। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, देखो बेटा 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है ना मीनिंग? कैन आई राइट सीधा 6 फैक्टोरियल, यस और नो? अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल का 21, कट गया, कितना हो जाएगा बेटा ये? बस ये था आंसर। क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक और क्वेश्चन है सैम स्पेशल, सैम स्पेशल नंबर 1। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, HCF एंड LCM निकालना है किसका? 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल का। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है। हाँ जी एक बार और समझाऊं, ठीक है बाकी सब अटेम्प्ट करो। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, कैसे? देखो बेटा जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप नोटिस करो ये क्या है, क्या 4 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है? जरा 4 फैक्टोरियल ओपन करना, ये तो बना। तो 8 फैक्टोरियल को मैंने 6 फैक्टोरियल तो ओपन कर लिया। अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऐसा पॉइंट। HCF और LCM निकालना है, कैसे निकालूं सर बोलिए? HCF और LCM निकालना है थोड़ा लाउड। HCF 6 LCM 120, आप बता सकते हो? सीधा बोल रहा हूँ HCF क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, जो सबसे छोटा वो कॉमन, समझो कैसे? 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ?
फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, और फाइव फैक्टोरियल को फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो एच सी एफ क्या देगा इसका, कॉमन क्या है? कंफ्यूजन पूछो, श्योर? ओके, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इन सब में? सबसे बड़ा वाला एलसीएम, खत्म, फाइव फैक्टोरियल। तो अब आप में से कई स्टूडेंट ने इसको पूरा सॉल्व करा होगा, है ना, और डायरेक्ट लगा सकते हो। हाँ सर, आखिर में सॉल्व करना है 6 और 120। एक मौका और देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू निकालनी है बेटा। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। एक्स की वैल्यू निकालो क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू निकालनी है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अगर एन की वैल्यू हो 6, आर की वैल्यू हो 2, करके दिखाओ राइट नाउ। आओ इसे सॉल्व करते हैं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। बट 7 फैक्टोरियल को कर सकता हूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, कॉमन क्या आएगा? 1/6 फैक्टोरियल, क्या बचा? 1 + 1/7 इज इक्वल टू एक्स 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में कट गया, कंफ्यूजन बोलो, आपने पूरा सॉल्व करा होगा, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा एलसीएम लेके? 8/7, एक्स अपॉन 8 इंटू 7, 7 डिवाइड में 7 डिवाइड में कट जाएगा, ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई 64। ओके, तो उसके बाद एक्सपैंड करना पड़ेगा ना फिर आपको। चलो क्या एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वो आपके लिए लेंदी होगा, इट्स योर चॉइस, करो। चले आगे, ना एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो इजी है, एन की क्या कर दो 6 6 - 2, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, कहां तक एक्सपैंड करूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना आंसर आएगा? ये था बेटा, वाज इट टफ? करो इससे नोट।